আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। সত্যি এই স্বাধীনতা কত কষ্টে এসেছে, কত আত্মবলিদান, কত আত্মত্যাগ আজ কি আমরা মনে রেখেছি। আজ আন্দামানের সেলুলার জেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বারবার মনে হচ্ছে একটি গান, মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে। কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা, তারা কি ফিরিবে আর, তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে, কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে। সেলুলার জেলে টিকিট কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাতে দেখছেন টিকিট। ঢুকেই বাঁদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং ছিল, আর ডান দিকে এখন করা হয়েছে মিউজিয়াম। দেখুন, আমরা মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকেছি, কিভাবে কষ্ট দেওয়া হতো দেখুন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এইভাবে অত্যাচার করে আমাদের দেশে স্বাধীনতা এসছে, ব্রিটিশরা ছেড়ে গেছে এদের জন্যই আমরা আজকে যে স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস করছি। গাইড নিয়ে নিলাম, হয়তোবা সেলুলার জেলে রাত্রিবেলা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা যেটা হয় সেটাতে আমরা সব কিছুই জেনে যাব। তবু ও দেখার সময় সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা দেখার আর কি। यहां पे आप एंट्रेंस में देख पा रहे हैं दो फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत और वंदे मातरम, दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। वहीं पे देख पा रहे हैं व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म स्मारक है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए जो शहीद हुए उन सब की यादगार में बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। ये पीपल ट्री, ये पीपल ट्री जेल की गवाह है, जेल जहाँ निर्माण है, सी लेवल 60-70 फीट हाई, एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। 1893 के समय जंगलों को साफ करने के दौरान सारे पेड़ कट चुकी थी, और उसमें से जो पेड़ जो छूट गई थी जो 1998 में साइक्लोन के बदल में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया, और यहाँ पे जो साउंड लाइफ प्रोग्राम होता है उसकी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है। सेंट्रल टावर जो है हेक्सागन एंड हेक्टागन, इट्स लुक लाइक सेल, दिस कॉल्ड सेलुलर, इट्स अ बायोलॉजिकल लेम, विंग नंबर 1 एंड 2 इज अ वन कॉर्नर एंड अदर ब्लॉक्स आर इंडिविजुअल कॉर्नर। गार्ड्स को दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए उतरने की जरूरत नहीं है, कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सके, एंड मीनार पे एक गार्ड उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें। जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,17,000 को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2 1941 अंदमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, यहाँ से बाइकआउट करने लगे, कारण अंडमान एक सेस्मिक जोन है। 1881 1941 एंड 2004, इन बिटवीन 1881 एंड 1941 काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, नाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, काफ़ी लॉस के कारण ब्रिटिश यहाँ से निकलने लगे, और 1942 यहाँ पे जापनीज एंट्री कर रहे। जापनीज के शासनकाल 3 साल के थे, 42 से लेकर 45, और 3 सालों में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापनीज द्वारा हुआ, जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट, उनकी विजिट के समय जापनीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा वैसे नहीं बताया गया, और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र। यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड,
नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश के शासनकाल रही रिपब्लिक तक, मीन्स रिपब्लिक तक ब्रिटिश रहा है। उसके बाद अंडमान इंडिया के पार्ट इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 ब्लॉक जो बनी थी उसमें से कुछ ब्लॉक जो लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को टोटली डिमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया। आउट ऑफ 7 नाउ वी हैव ओनली 3 ब्लॉक्स, यानी कि विंग नंबर 1, 7 और इसके बैक पोर्शन नॉट एक ब्लॉक विंग नंबर 6 एंड ऑल आइडेंटिकल सेल। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम फासीगल से स्टार्ट करेंगे सर। तो सारे सेल आइडेंटिकल है, नथिंग डिफरेंट। सो यहाँ पे ये जो ग्राउंड फर्स्ट खुला हुआ है, सेकेंड फ्लोर बंद है सर, कॉरिडोर। यहाँ पे लास्ट वाले सर वीर सावरकर जी की कक्षा है। वैसे आप ग्राउंड फ्लोर में सचिनदास सान्याल जी की तस्वीर रखें, जिन्हें बनारस कॉन्फ्रेंस में लाया गया, उनके बारे में और कई फ्रीडम कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनके स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में है, उनके बारे में एक्सप्लेन करके मैं कंप्लीट करूँगा सर। हम जहाँ पे भी मौजूद है फांसीघर के पास मौजूद है। ये फांसीघर पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स को लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। यहाँ पे फांसीघर बनवाया गया, जरूरत पड़े तो किस तरीके से उनको फांसी दिया जाए ये बताऊंगा। अब फांसी देने की आवश्यकता थी तो ब्रिटिश अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते। उनकी मकसद ये थे कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्रांतिकारी हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केसेस होते थे कॉन्स्परेंसी प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। और सजा काटने के समय यदि यहाँ पे किसी को त्याग कर गए और उन फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देना हो इमीडिएटली फांसी नहीं दे सकते, फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन मीन दे रेडी टू मोटिवेट वॉर इफ देर इन मिडिल ऑफ द बिल्डिंग। ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में रहेंगे सो मरने से पहले वो किसी को भी उत्साह कर जाएंगे, यानी कि मोटिवेट कर जाएंगे। ब्रिटिश बोल रहे हैं सपोज इफ देर इन मिडिल ऑफ द बिल्डिंग दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, इफ द केज नियर बाय गैलोस यानी कि उन्हें फांसी घर के पास में रखा जाए उनकी सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा, सोच उन्हें कमजोर कर जाए। यदि डिप्रेस में मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज, ऐसे नहीं होता है। यदि उन्हें फांसी देना हो फांसी देने के दिन उनसे पूछा जाए व्हाट्स द लास्ट विश, आपकी अंतिम ख्वाहिश क्या है। अंतिम ख्वाहिश मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जो रिचुअल्स करते हैं फैमिली मेंबर्स, आई एम नॉट आई हैव अ फैमिली मेंबर्स रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार या कोई नहीं यहाँ पे जिनके पास ये सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा, उस बॉडी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। उसकी जो राइट्स होता है, रेस्पेक्ट होता है खुद देमसेल्फ, यानी कि जीवित रहते वक्त दे हैव टू डू देमसेल्फ, ये प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स है। यहाँ पे उनकी राइट्स कंप्लीट होने के बाद एक साथ तीन लोगों को एंकर सकें, लीवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 feet जो बॉडी वेट के साथ जाएगा स्पैल कोड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पैल कोड नहीं ब्रेक हो रहा है इफ दे सर्वाइव कानून उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दरअसल रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया, रोप रोड को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए, उनकी ऑर्डर में थी बट वी हैव नो रिकॉर्ड्स ऑफ मेनी पीपल आर हैंग्ड हियर। জায়গাটা যেখানে ফাঁসি হওয়ার পরে যে উপর থেকে পড়ে যেত ভেতরে সাংঘাতিক, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে মানে বন্দি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কিভাবে কাজ করানো হতো সেইটা এখন এটাকে ঘেরা হয়েছে, আগে এটা ঘেরা ছিল না এইভাবে। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ती है, फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट, जो शाम के वक्त अंग्रेज इंडियन के पर चाबुक नहीं चला रहे हैं, इंडियन के पर चाबुक चलाएं जब तक उनके शरीर से खून नहीं आता। और जब फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे उनकी यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में एक नेक रिंग जिसे आज हम ID proof के नाम से जानते हैं, आज हम लोग पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं,
एंड ड्यूरिंग द टाइम उनकी पॉजिटिविटी को कमजोर करने के लिए दे इंट्रोड्यूस दिस मेटल रिंग व्हिच इज नॉट यूज्ड टू द पर्सन ही पुट इट समथिंग इन द नेक। और उनकी पनिशमेंट यूनिफॉर्म जूट साक इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। रिंग नंबर 1 और 7 के भीतर खड़े हैं। रिंग नंबर 1 में 105 सेल और इसमें 126 सेल्स है और विंग की जो साइज है अनइवन साइज है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बनवाया गया। जेल की निर्माण जहां हुई है सी लेवल टू 60-70 फीट हाइट हिल को लेवल किया गया। दे गेट बिग ग्राउंड, फर्स्ट सर्वे हम किए थे कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हार्ट ऑफ जेल मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड मीन्स ब्रिटिश बोल रहे हैं कि वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन, यानी कि आगे की सोच के साथ बना रहे हैं। तो अब इसे मिडिल में बनवाएंगे उस समय प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। इफ यू सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ हिल वी गेट नेचुरल वॉल, दो साइड सी फेसिंग होगा और तीसरा साइड हिल के कॉर्नर। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया। मटेरियल की कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 13.6-7.6 फीट है सेल के साइज, 7 फीट हाइट इसकी रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, कुल मिला के 10 फीट हाइट है। उस समय सीमेंट की जगह घूड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी और ईच सेल 1%। उन फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड किया जाता था एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। वुडन प्लैंक एंड ब्लैंकेट वो रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड, नीचे जमीन में सोएंगे और बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बाइट्स मलेरिया के कारण काफी देहात, और खाने के जो बर्तन होते थे आयरन पॉट वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें रेगुलरली, रेड विद रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। लिमिटेशन फुल लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड किया जाता था। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, जब डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस दौरान यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा सेल में नहीं हुआ करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा नहीं दी तो क्ले पॉट को इस्तेमाल करना था। क्ले पॉट इज द लिमिट, इफ द क्रॉस द लिमिट मीन्स पनिशमेंट का बढ़ जाएगा, इस कारण खाना कम लेंगे तो ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, लोगों का हेल्थ खराब इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। जैसे सावरकर जी के साथ 6 स्टैचूज हैं, सावरकर जी के साथ 7, महावीर सिंह डीवीए कॉलेज के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्टर थे जिन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक पार्टिसिपेट की यहाँ पे आने के बाद, जिन्हें नली से दूध पिलाया गया, इज नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, फोर्स फीड किया गया, उसके कारण उनकी देहांत हो गई। उसके अगले दिन मोहित पित्रा एंड मोहन किशन नाम था, सेम ट्रीटमेंट। बाबा बान सिंह हिंदू भूषण राय एंड मोहित पित्रा, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण जो मारे गए, उनके स्टैचू वीर सावरकर पार्क में और इस ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर लास्ट वाली कोठरी वीर सावरकर जी के कक्ष है। मुझे अंडमान कालापानी में सबसे ज्यादा दिन फांसीगर के सामने रखा गया। कालापानी इज नॉट अ ब्लैक वाटर, काल मींस मृत्यु एंड काल इज कॉल्ड समय। उस समय जिन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया उन्हें ये नहीं पता था कि वेदर वी आर गोइंग बैक और नॉट, और यहाँ पे आने के बाद उन्हें इंस्पायर करने वाली सिर्फ नेचर हुआ कर दे रही, नीला आसमान, नीला समुद्र, हरियाली
और बोल रहे हैं कि नेचर एंड ब्यूटी इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी, वक्त आने पर नेचर अपने रंग बदल सकती है, यदि हम अपने रंग बदल लें आने वाले भविष्य को आजादी दिला नहीं सकेंगे, यदि हम यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। ये नीला आसमान नीला समुंदर, शाम के वक्त ऊपर छाई गिरती है नीला समुंदर पर, इट्स लुक लाइक दैट। अब यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे तो ये पानी हमारी मौत बन जाएगी, वैसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाएं, यानी कि उनकी पॉजिटिविटी सोच, जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। যা যা বললেন গাইড আপনারা তো সবাই শুনলেন, নতুন করে আমি আর কিছু বলতে চাই না, এখন আর বলার মতো অবস্থাতেও নেই, আমার মনের মধ্যে শুধুই শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তি ছাড়া কথা বেরোচ্ছে না। এটা ভিউ পয়েন্ট একদম টপে, ওদিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, দেখুন